हेलो दोस्तों, मैं हूं आकाश और आप देख रहे हैं एडी क्रिकेट न्यूज़। तो आज मैं बात करने जा रहा हूं आईपीएल के लीग स्टेज के आखिरी मैच के बारे में, जो कि खेला जाने वाला है एसआरएच यानी सनराइजर हैदराबाद और एमआई यानी मुंबई इंडियंस के बीच में। और ये मैच होने वाला है 3 नवंबर को शाम 7:30 बजे से शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में। तो ये मैच और ये वीडियो दोनों ही बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि इस दोनों टीमों का फुल प्रेडिक्टेबल प्लेइंग 11 क्या हो सकता है इस मैच के लिए, और कौन सा टीम जीतने वाला है इस मैच में, और कितना विनिंग परसेंटेज से जीतने वाला है। तो वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने जा रहा है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप लोग मेरा वीडियो तो देखते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा पब्लिक सब्सक्राइब नहीं करता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, उसमें आप लोगों का कुछ भी नहीं जाएगा और मेरा बहुत ही भला हो जाएगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले अगर एसआरएच यानी सनराइज़ हैदराबाद की टीम के फुल प्रेडिक्टेबल प्लेइंग 11 के बारे में बात किया जाए, तो इस टीम में सबसे पहले ओपन करने वाला है डेविड वार्नर और उसके साथ रिद्धिमान शाह, तीसरे नंबर पर मनीष पांडे, 4 नंबर पर केन विलियमसन, 5 नंबर पर अब्दुल समद, 6 नंबर पे जेसन होल्डर, 7 नंबर पे अभिषेक शर्मा, 8 नंबर पे राशिद खान, 9 नंबर पे शहबाज नदीम, 10 नंबर पे संदीप शर्मा और लास्टली 11 नंबर पे टी नटराजन। तो ये मोस्ट प्रोबेबली एसआरएच यानी सनराइजर हैदराबाद की टीम के फुल प्रेडिक्टेबल प्लेइंग 11 हो सकता है। आप लोगों को क्या लगता है वो आप लोग मुझे जरूर कॉमेंट करके बताइए। और उसके बाद अगर एमआई यानी मुंबई इंडियंस की टीम के फुल प्रेडिक्टेबल प्लेइंग 11 के बारे में बात किया जाए, तो इस टीम में सबसे पहले ओपन करने वाला है क्विंटन डीकॉक और ईशान किशन, उसके बाद 3 नंबर पे सूर्य कुमार यादव, 4 नंबर पे सौरभ तिवारी, 5 नंबर पे कैरन पोलार्ड, 6 नंबर पे कुणाल पांड्या, 7 नंबर पे हार्दिक पांड्या, 8 नंबर पे राहुल चाहर, 9 नंबर पे ट्रेंट बोल्ट, 10 नंबर पे जेम्स पैटिंसन और लास्टली 11 नंबर पे जसप्रीत बुम बुम बुमराह। तो ये मोस्ट प्रोबेबली एमआई यानी मुंबई इंडियंस की टीम के फुल प्रेडिक्टेबल प्लेइंग 11 हो सकता है। आप लोगों को क्या लगता है वो आप लोग मुझे जरूर कॉमेंट करके बताइए। तो इस मैच में मुझे लगता है कि सनराइजर हैदराबाद का मस्ट विन मुकाबला है ये, क्योंकि सनराइजर हैदराबाद अगर इस मैच को जीतता है तो डायरेक्ट वो प्ले ऑफ के लिए मतलब क्वालिफाई कर सकता है, और मुंबई का तो कोई बात ही नहीं है। मुंबई 18 पॉइंट लेकर सबसे ऊपर बैठा है, और इस मैच को अगर जीतता है तो भी वो 1 नंबर पर ही रहेगा, और अगर हारता है तो भी वो 1 नंबर पर रहेगा। तो इस मैच में कौन सा टीम जीतने वाला है और कितना विनिंग परसेंटेज से जीतने वाला है उसको अगर बोला जाए, तो इस मैच में तो पल्ला मुंबई इंडियंस का ही भारी है, क्योंकि मुंबई इतना कंसिस्टेंट बहुत ही बढ़िया तरह से खेल रहा है, लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद अपना पूरा दाव इस मैच में खेलने वाला है। अगर इस मैच को सनराइजर हैदराबाद कुछ भी करके जीतता है तो हाँ, सनराइजर हैदराबाद प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर सकता है, मतलब प्रबल दावेदार रिरैपेज कर सकता है प्लेऑफ्स के लिए। तो मुझे लगता है कि मुंबई का पल्ला भारी है, लेकिन सनराइजर हैदराबाद भी कुछ भी कर सकता है। तो इस मैच में प्रेडिक्शन कुछ हो ही नहीं सकता, और ये लास्ट मैच है, सिर्फ देख के एंजॉय करना है, और बहुत ही बढ़िया खेल होने वाला है मुझे लगता है लास्ट मैच। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा वो भी आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए, और अगर ऐसी वीडियो और भी डेली देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जल्दी से। थैंक यू।